जो है यहाँ तक सेक्शन बना लिया था, अब इससे नेक्स्ट जो है ना सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अब नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे बनाना है, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं बनाया है या नहीं बनाया, लोग तो कह रहे हैं कि बनाया है, कुछ नहीं। सो डॉक्टर मैं चलें, ठीक है हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। तो देखिए ये सिंपल सा है हमारे पास, ये मैंने बताया था कि ये एक आइकन का विजेट है, उसके बाद अगेन से हमारे पास हेडिंग है, डिस्क्रिप्शन है और दो बटन्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसके इसे आप इसे जो है कॉलम में भी कर सकते हैं और एक ही सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ये बटन नहीं है, ये हमारे पास आइकन है। चलें मिल जाता है। अब ये हमारे पास आइकन सॉरी सेक्शन था। अब इसके बॉटम पे हम एक और सेक्शन ऐड कर लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं दो कॉलम इसके लिए लेते हैं। दो कॉलम हमने ले लिए। अब ये जो सेक्शन हमने लिया था उसमें हमने कितनी टॉप से पैडिंग ऐड की थी यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितनी ऐड की थी, याद है आपको? हम देख लेते हैं कि कितनी ऐड की थी, 100 एंड 100। अब नेक्स्ट सेक्शन है, इसमें भी हम 100 एंड 100 ही ऐड करेंगे, ताकि हमारे पास पूरी वेबसाइट में कंसिस्टेंसी हो। अब इसके बैकग्राउंड कलर देख लें, चेंज कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वाइट है हमारे पास, वाइट कलर आ गया। अब टॉप पे सबसे पहले क्या है, आइकन यूज़ किया जा रहा है। अगर आपको आइकन का नाम पता ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करें और इसको इंस्पेक्ट कर लें। इंस्पेक्ट करेंगे आपको आइकन का नाम पता चल जाएगा, ये कौन सा आइकन है, मैप मार्कर। ठीक है, अब सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या ऐड करना है, आइकन ऐड करना है। यहाँ पे आप लिखें आइकन, आइकन का विजेट आ गया, एक आइकन लिस्ट आ गया, सोशल आइकन, आइकन बॉक्स और आइकन। ठीक है, सर्च करने से उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आइकन का विजेट है। अब आप यहाँ पे क्लिक करें, अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आइकन आ रहे हैं। हमारे पास कौन सा, क्या नाम है इसका, मैप मार्कर। आप यहाँ पे लिखिए मैप, और हमारे पास मैप मार्कर यहाँ पे ये वाला आ रहा है और ये वाला आ रहा है। ठीक है, ये वाला हमारे पास है मैप मार्कर ऑल्ट, उसको इंसर्ट करें, सेम आ गया हमारे पास। उसके बाद इसकी व्यूज़ है हमारे पास डिफरेंट। अब जो ये वाला यहाँ पे व्यू है ये सिंपल है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं ये स्टैक, ओके। अगर हम अगेन से क्लिक करते हैं फ्रेम, आप देखें शेप नीचे है दोनों की, स्टैक की भी और फ्रेम की भी, दोनों की शेप है सर्कल और स्क्वायर। इस पर आते हैं, इसमें भी सर्कल और स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें सिंपल चाहिए, डिफॉल्ट पे आ जाता है। उसके बाद अगर आपने इसको कोई लिंक देना है, किसी पेज पे लेके जाना है, यूज़र्स पे क्लिक कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिंक भी ले सकते हैं। ये इसकी अलाइनमेंट है, आप राइट लाइन कर ले सेंटर, और हमें कहाँ पर चाहिए कि लेफ्ट चाहिए। ठीक है, हमने इस पर क्लिक किया, अब हमें इसका क्या करना है, साइज़ मालूम करना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 em आ रहा है हाइट एंड विड्थ के। ठीक है, अब हम जाते हैं स्टाइल में, कंटेंट हमने ऐड कर लिया, अब स्टाइल में आ जाते हैं। इसका कलर हमने सेव किया था, और एक्सेंट कलर यही कलर सेव किया था हमने, कोई और किया था, यही कलर हमने सेव किया था, कलर आ गया हमारे पास, कलर बोर्ड हमें कॉपी नहीं करना पड़ा। अभी आ रहा है इसका साइज़, आप इसका साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आप क्या साइज़ करते हैं इसका। हम इसका साइज़ 45 कर लेते हैं। ठीक है जी, और आप इसको रोटेट करना चाहते हैं एंगल पर, आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आइकन ऐड हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, हेडिंग है। अब हेडिंग के स्टाइल्स हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए, स्पैन है, कलर हमारे पास यही यूज़ किया जा रहा है, फॉन्ट साइज 50 है, और सेम हमारे पास जानवर की फॉर्मेट यूज़ की जा रही है। अगेन से हेडिंग हम यहाँ पर ड्रॉप कर लेते हैं, सॉरी ये हमारे पास टेक्स्ट है, ड्रॉप हो गया। HTML टैग कौन सा यूज़ किया जा रहा है, स्पैन का। यहाँ पे आ जाते हैं स्टाइल में, और यहाँ पे फॉर्म फैब्रिक कौन सी यूज़ की जा रही है, जावा 1 की, वही हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब फॉर्म फैमिली हमें बार बार ऐड की करनी पड़ रही है ना बार बार। अब हम इसमें ये करते हैं कि हमें बार बार से फॉर्म फैमिली ऐड ना करनी पड़े, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, उसमें यहाँ पे क्लिक करें, आप इसे कह दें कि हमारे पास क्या है, ये हेडिंग। हमने फॉर्म फैमिली की प्रॉपर्टीज डिफाइन की,
और उसको क्या कर दिया है, सेव कर दिया। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कोई कलर देते हैं, प्लस प्लस पे क्लिक करके सेव करवा देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यार हेडिंग, ठीक है। अब जब भी कोई हम हेडिंग ऐड करेंगे, सिंपली यहाँ पे आएंगे और इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिकली फोन के स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगे। अब हम जो है इसका कलर ले लेते हैं, इसका कलर कौन सा यूज़ किया जा रहा है, ये कलर है, कॉपी कर लेते हैं और कलर पेस्ट कर लिया और इसको भी सेव कर लेते हैं, हेडिंग कलर, ठीक है। अभी हेडिंग कलर किसके लिए है, वाइट बैकग्राउंड के लिए। अगर आप कलरफुल बैकग्राउंड पे जाते हैं तो हमारे पास क्या कलर है, हमारे पास वाइट है, ये हमेशा याद रखिएगा। और इसका कलर भी हम जो है ना चेंज कर लेते हैं, हेडिंग कलर, ठीक है, ताकि सेम हो गया। अब इसके बॉटम पे हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन है, टेक्स्ट एडिटर आप ऐड कर लें, बॉटम में ऑप्शन कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। अब इसके स्टाइल जो हैं वो हमें अप्लाई करने पड़ेंगे, इस पर क्लिक किया, ये पैराग्राफ है हमारे पास, कलर ये आ रहा है, कलर को कॉपी कर लिया, फॉन्ट फैमिली वर्क सेंस और फॉन्ट साइज 16 पिक्सल का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टाइल में आते हैं, यहाँ से कलर ऐड कर लिए, तो क्या कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन का हमारे पास क्या है, कलर है, डिस्क्रिप्शन कलर, ठीक। उसके बाद फॉन्ट फैमिली में चले जाते हैं, फॉन्ट फैमिली कौन सी है, वर्क सेंस, फोन साइज कितना यूज किया जा रहा है इसका, इस 14 पिक्सल है, 16 पिक्सल है, क्या कहते हैं 16 पिक्सल हमारे पास, इसको सेव कर लेते हैं, इसको क्या लेते हैं हमारे पास डिस्क्रिप्शन फॉन्ट, ओके हो गया। अब अगेन अगेन से हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास क्या है, दो बटन है, एक ही लाइन में है और हैं भी एक ही लाइन में। आप देखें इस तरह के बटन हमने भी पहले ऐड किए, यहाँ पे ऐड किया होगा, ठीक है, सेम है। तो बजाय कि एक नया बटन ऐड करें कि हम उसे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, ये बटन मैंने ऐड किया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा शुरू से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, उसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके गेंद से मैंने राइट क्लिक किया और पेस्ट स्टाइल्स कर लिया। एडवांस में गया, टॉप से हमने मार्जिन दिया था, ये यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, रिमूव कर दिया। इसका टेक्स्ट क्या है यहाँ पे जी, गूगल पे, हम यहाँ पे ले लेते हैं गूगल पे, और इसका आइकन स्टार्ट में है, इसका आइकन लगा लेते हैं हम यहाँ से, आइकन है वेरी, आइकन कौन सा था, एंड्रॉयड का, ये हमारे पास आइकन आ गया। देखिए यार सिंपल सा है, आइकन का नाम ना तो मैंने अभी तो आपको टॉप पे बताया कि आपने क्या करना है, आप अपने गेन राइट इंस्पेक्ट करें, राइट क्लिक करके, ठीक है, ये आ गया आइकन एंड्रॉयड, ठीक है, पता चल जाएगा। उसके बाद गूगल पे आ गया, ठीक है, आइकन आ गया। अब अगर आपने इसे डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे क्या है ऐप स्टोर, ये किस चीज़ का आइकन है, एप्पल का, ये हमारे पास एप्पल आ गया और ऐप स्टोर। अब इसका हम देखें तो कलर क्या है, ब्लैक कलर, हम ब्लैक कर लेते हैं, स्टाइल्स बैकग्राउंड में ब्लैक कलर आ गया हमारे पास, ठीक है। देखिए एक लाइन में नहीं आ रहे, एक लाइन में लेके आने के लिए हम जो है इनर सेक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसके हमारे पास दो कॉलम्स होंगे, इन बटन को उठा के यहाँ पे हम ऐड कर लें, ठीक है, एक ऑप्शन हमारे पास ये हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, अब दूसरा ऑप्शन क्या है, आप देखेंगे बटन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे, लेकिन जिस कंटेनर के अंदर, बॉक्स के अंदर बटन ऐड किया है वो देखिए कहाँ पे ऐड हो रहा है, इसका पेंसिल आइकन यहाँ पे, हम इस पर क्लिक करते हैं और जाते हैं एडवांस में, और एडवांस में हमारे पास एक ऑप्शन है पोजिशनिंग का, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आइए, अभी ये पूरे के पूरे बॉक्स की, बटन बॉक्स की, यहाँ पर क्लिक करें और इसको कर लें इन लाइन आउट, ठीक है। अब जितनी हमारा जितना हमारे पास बटन है उतनी ही इसकी बॉक्स की वेट होगी, आप इस पर भी इसी तरह से क्लिक करें, एडवांस में जाएं, पोजीशनिंग में जाएं और इसके बाद क्या कर लें, इनलाइन ऑटो कर लें, ठीक हो गया। अब आपने इसमें स्पेस ऐड करनी है, स्पेस, आप स्पेस आप दो तरह से ऐड कर सकते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, कॉलम में जाएँ, हॉरिजॉन्टल अलाइन आप सेंटर कर लें, सेंटर में हो जाएंगे, क्योंकि
हमने स्पेस हॉरिजॉन्टली ऐड करनी है ना, वर्टिकली नहीं करनी, ये हमारे पास वर्टिकल भी ऑप्शन है। तो हम क्या कहते हैं कि स्पेस बिटवीन। ओके अब यहाँ पे देखें, ऐसे ही है, नहीं ऐसे नहीं है, ठीक है, स्पेस अराउंड आप ऐसे भी कर सकते हैं और स्पेस इवनली भी कर सकते हैं। आप इसे रखेंगे स्टार्ट में फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये स्टार्ट से हो रहा है और यहाँ पे भी स्टार्ट से डिस्प्ले हो रहा है। और हम क्या करते हैं, राइट वाला बटन सेलेक्ट करते हैं और लेफ्ट साइड से हमें स्पेस ऐड करनी है ना, लेफ्ट साइड से हम कहते हैं 50 पिक्सल्स की मार्जिन आ जाए इसमें, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे हमने करी इमेज ऐड, हम यहाँ पे इमेज ऐड कर लेते हैं मोबाइल वाली, इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करें और इमेज जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लें मोबाइल वाली। ये हमारे पास मोबाइल की इमेज आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए इमेज कैसी है, साइज़ बड़ा है और यहाँ पे साइज़ बहुत कम है इसका, फुल जाते हैं और इसकी विड्थ क्या कर लेते हैं 100%, ठीक हो गया। लेकिन 100% विड्थ की है तो इमेज हमारे पास ब्लर हो गई है। हम इसको रखते हैं बाई डिफ़ॉल्ट, इसके भी एडवांस में जाते हैं पोजिशनिंग में, इसकी विड्थ क्या कर लेते हैं इन लाइन ऑटो किया तो क्या हुआ, ये हमारे पास लाइन लेफ्ट हो गई। कॉलम पे क्लिक करते हैं, वर्टिकल लाइन को मिडल कर देते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कर देते हैं सेंटर, ठीक है, सेंटर के सेंटर में आ गए। अब इस पर क्लिक करते हैं अगेन से इमेज पे, पोजीशनिंग में आ गए। यहाँ पे हमने क्या किया इन लाइन ऑटो, अब हम इसको क्या करते हैं कस्टम की विड्थ देते हैं परसेंटेज में ना कि पिक्सल में, आप स्टार्ट करते हैं इसको कितनी आपने से विड्थ देनी है, ये हमारे पास 100% हो गया। और यहाँ से जाके इसको 100% करते हैं, 100% इतनी बन गई। अब अगेन से एडवांस में आते हैं और इसकी पोजीशन भी जो है ना विद सेट करते हैं, हमें ऑलमोस्ट इतनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें कितनी आ रही है, अगर आपको पता नहीं चल रहा कि कितनी भी आपने ऐड करनी, इस पर राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, यहाँ पे देखें इमेज की विड्थ कितनी है 370 और 600 और हाइट कितनी है 999, 600 पिक्सल। हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया हुआ है परसेंटेज, पिक्सल में लेके जाना है, आप यहाँ से इसकी पिक्सल में लेंगे 600 पिक्सल, ठीक है, ये इमेज आपके पास है। लेकिन इमेज में कोई हावर का ऑप्शन नहीं है, हम क्या करते हैं हावर का ऑप्शन लगा देते हैं, स्टाइल, ये हमारे पास हावर है, हावर पे क्लिक करें। अब ये हावर एनिमेशन आपने ग्रो की लगानी है, ग्रो सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगी कि इमेज ग्रो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है पॉप हो रही है, ठीक है, सेलेक्ट करें हमारे पास पॉप नहीं, ये एनिमेशन भी नहीं है हमारे पास पॉप की, क्या एनिमेशन हमें सिर्फ एक ही चाहिए भाई फ्लॉट, ठीक है, यही एनिमेशन है, एनिमेशन ऐड होगी। अगर आप यहाँ पे देखें इसका साइज़ कम है यार, हमने साइज़ ज़्यादा रखा है इसका, तीन सौ सत्तर है ये साइज़ है ना कि वो वाला साइज़ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें एक सेक्शन और ऐड करते हैं इसके बॉटम पे, बॉटम सेक्शन ऐड करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया था, इस सेक्शन को बॉटम से पैडिंग दी थी 100 पिक्सल की, वो हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने इस सेक्शन को टॉप पे लेके आना है। अब इस सेक्शन के बैकग्राउंड पे एक इमेज लगी हुई है, वो इमेज हम ऐड कर लेते हैं, स्टाइल बैकग्राउंड इमेज कैसे ऐड करेंगे, सेक्शन की सेक्शन पर क्लिक करेंगे, स्टाइल में आए और बैकग्राउंड टाइप पर आके इमेज सेलेक्ट कर लें, कौन सी इमेज, यही वाली इमेज है उसे ऐड करें, ठीक है। यहाँ पे हम इसे हाइट दे देते हैं, हाइट कैसे देंगे लेआउट में, यह हमारे पास हाइट का ऑप्शन आ रहा है, मिनिमम हाइट सेलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको हाइट दे दें, वहाँ पर हाइट दीजिए। अगर आपने डिटरमाइन करनी है कि हाइट का कितनी है, आप राइट क्लिक करें अगेन से इंस्पेक्ट करें इसे, बस सेक्शन मेन सेक्शन हमारे पास ये वाला सेक्शन है मेन, ठीक है, बैकग्राउंड टाइप क्लासेस आ रहा है, यहाँ पर हमें पता चल जाएगा उसमें कितनी हाइट थी, ये हमारे पास बैकग्राउंड पे उसने ऐड की हुई है, ठीक है, पैडिंग दी हुई उसने टॉप एंड बॉटम से 50 पिक्सल की, ना कि हाइट दी है उसने, ठीक है।
इसकी हाइट हम रिमूव कर लेते हैं, यहाँ एडवांस में जाते हैं, टॉप बॉटम में कितनी हाई उसने पैडिंग दी 50 पिक्सल, और यहाँ पे हमारे पास उसने एक हेडिंग ऐड की है और इसकी लाइन उसने सेंटर रखी है। उसको क्या किया हुआ है, रिव्यूज़ आप इसे जो है कलर वाइट दें और इसकी फॉर्म फैमिली हेडिंग वाली सिलेक्ट करें, ठीक है। अभी देखिए हमने एक और एलिमेंट ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, ये हमारे पास सोशल आइकन्स हैं, सोशल आइकन्स आप इसके बॉटम पे ऐड कर लें। सोशल आइकन्स कौन सा है, ये वाला हमारे पास, ये आइकन कौन सा है भाई, ये ठीक है, ये फुल आइकन हम यूज़ कर लेते हैं। ऑप्शन कलर आप यहाँ पे आए, वही LP, ठीक है, आइकन आ गया हमारे पास। उसको हम कहते हैं कोई भी हमारे पास का लिंक ना हो फिलहाल। उसके बाद हमारे पास है फेसबुक, और फेसबुक के बाद कौन सा आइकन है भाई, फोरस्क्वेयर, सर्चिंग फेसबुक। उसके बाद हमारे पास ऑल आइकन्स, वो तो नहीं आ रहा, FOUR है, सॉरी, उसके बाद हमारे पास लिंक्डइन का आइकन है, ठीक हो गया, आइकन ऐड हो गए। आप जो है क्या कर सकते हैं, कितने आइकन्स हैं, 1, 2, 3, 4 आइकन्स हैं, शेप राउंडेड है, हमें क्या चाहिए, शेप राउंडेड चाहिए, हमें चाहिए सर्कल में, ना कि राउंड चाहिए, सर्कल शेप आगे कॉलम ऑटो सेलेक्ट किए हुए हैं, हम करते हैं 4 कॉलम्स। अगर आप यहाँ से 2 कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो 2 कॉलम्स उसके बन जाएंगे 1 एंड 2, हमें सिर्फ 4 कॉलम्स चाहिए क्योंकि एक ही रो में हमने शो करवाना है। अलाइनमेंट जिसके सेंटर है, एडवांस में जाएंगे, पोजिशनिंग में आएंगे, इसकी विथ क्या कर लेंगे, इन लाइन ऑटो, और इसकी भी विथ क्या कर लेते हैं हम, इन लाइन ऑटो। अब हमें क्या नहीं करना पड़ रहा, इसमें एक सेक्शन और ऐड नहीं करना, कॉलम में जाएंगे, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर और ये मिडल, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, ठीक है, स्पेस इवनली, स्पेस इवनली है, स्पेस कम है इसमें, आप जो है तो आप सेंटर करें और लेफ्ट और राइट से स्पेस दे दें। सपोज आप इसे जो है राइट साइड से स्पेस दे दें, आप कह लें 50 पिक्सल, या आप इसे 100 कर दें, ठीक है, लेफ्ट राइट स्पेस आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, कलर ऐड कर देते हैं, यहाँ पे देखें सबके हमारे पास ऑरेंज कलर है, ऑप्शनल कलर, आप कहते हैं कि कस्टम कलर होना चाहिए, एक प्राइमरी कलर है और एक सेकेंडरी, हम प्राइमरी कलर ये सिलेक्ट कर लेते हैं और सेकेंडरी वाइट है, और ऑलरेडी ये हमारे सेकेंडरी कलर आ गया वाइट। साइज का आपने कम ज़्यादा करना है तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाई डिफॉल्ट रखते हैं। उसके बाद पैडिंग अगर आपने देनी है, ये वाइट आइकन आ रहा है और ये आपके पास राउंड शेड बैकग्राउंड कलर आ रहा है, इसके दरमियान आप ऐड कर सकते हैं, रो गैप आप ऐड कर सकते हैं, आइकन हावर, यहाँ पर जब हावर कर रहे हैं आइकन कलर कौन सा हो रहा है, ब्लू, क्या करते हैं प्राइमरी कलर को चेंज कर देते हैं हावर वाले कलर पे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने सेकेंडरी कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं, और आपने एनिमेशन लगानी है तो एनिमेशन भी लगा सकते हैं, ओके। इनके दरमियान अगर आपने स्पेस ऐड करनी है, स्पेस भी आप ऐड कर सकते हैं 15 पिक्सल, ठीक हो गया। अब अगेन से हम बैकग्राउंड पे आ जाते हैं, एडिट सेक्शन, इसके हम क्या करते हैं, पोजीशन सेंटर सेंटर, अटैचमेंट ठीक है, रिपीट नो रिपीट, साइज आप उसको ऑटो भी कर सकते हैं और कवर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कवर भी आ गया। अब आ जाते हैं बैकग्राउंड ओवरले, बैकग्राउंड ओवरले जब हम ऐड करते हैं तो जो इमेज है ना इसके ऊपर कलर आ जाएगा, इसका ओवरले बन जाएगा, ठीक है। आप जो है यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लें ब्लैक, और यहाँ देखें ब्लैक कलर है लेकिन इसकी ओपेसिटी ज़्यादा है, इसकी ओपेसिटी मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, इंस्पेक्ट करके सेक्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से हमने ढूंढनी है क्लास बैकग्राउंड वाली, बैकग्राउंड क्लास क्लासिक यही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे आएँ, यहाँ पे देखें बैकग्राउंड कलर ये यूज़ किया जा रहा है, आप बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लें, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आते हैं बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ये हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया, इसको रिमूव कर दें और ओवरले पे आके आप इमेज यूज़ कर लें, इमेज कलर भी ऐड कर सकते हैं ओवरले पे और इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं, इमेज सेलेक्ट करें
उसके बाद पोजीशन इसके सेंटर रखें, रिपीट नो रिपीट, साइज कवर, ठीक है आप इसकी पेस्टी बढ़ा लें, सॉरी कम कर लें, जो कलर हमारे पास है उसकी पेस्टी शो होनी चाहिए ना कि उसके। ओके बन गया उसी तरह का सेम सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास है हम उसे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन वेरी सिंपल है, ये कौन बताएगा मुझे किस तरह से बनेगा, बताए कैसे बनेगा ये सेक्शन? हाँ जी हमें एक साइड में इमेज लेनी है, जैसे कि हमने ये वाला सेक्शन बनाया है, और एक साइड में हम टेक्स्ट, ठीक है इसे बना लेता हूँ। जी जी करवा देता हूँ, करवा ठीक है सेम ही है, मुझे तो सेम लग रहा है। आपको कम ज़्यादा लगता है आप कम ज़्यादा कर लें, 50 पिक्सल आपको कम करना है, आपने उसे ग्लोबल ऐड कर लिया, आप यहाँ पे आकर उसका फोन साइज चेंज कर लें। इसने टॉप पर रखा हुआ है, नहीं मीडियम पर रखा हुआ है, यहाँ पे आके इसके वर्टिकल अलाइन में रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन हम बना लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास देखें एक आइकन है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, हेडिंग है, डिस्क्रिप्शन, और एक व्यू मोड का बटन है, ठीक है। अगर आपने इसे देखना है कि इसने कौन सा विजिट यहाँ पर यूज़ किया हुआ है एलिमेंटर में, आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा ये आइकन बॉक्स है या इमेज बॉक्स है या कोई और विजिट है, ठीक है। बहुत सिंपल है, अगर आप नहीं करना आप ऐसे बनाना चाहते हैं आप ऐसे बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। नहीं यहाँ पे कॉलम्स हैं 1 2 3 4 कॉलम, क्या करते हैं यहाँ पर इंटरसेक्शन लेते हैं और इसके 4 कॉलम्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे टॉप पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये आइकन है या इमेज है? ये हमारे पास इमेज है, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पर इमेज का विजिट ऐड कर लेते हैं, कौन सी इमेज है हमारे पास, ये वाली है, ठीक है जी ये वाली इमेज है, इमेज ऐड हो गई, साइज उतना ही ऑलमोस्ट। आप इसको यहाँ पे क्लिक करें, अलाइन इसको लेफ्ट कर लें, फुल व्यू होना चाहिए, ठीक है ये भी अलाइन लेफ्ट ही है। उसके बाद आप चले जाएँ यहाँ पे इमेज बॉक्स यूज़ करें या आइकन बॉक्स यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है, इमेज आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें इमेज नहीं चाहिए, हमें हेडिंग चाहिए और डिस्क्रिप्शन चाहिए। यहाँ पर हेडिंग है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, पैरासिटिंग हेडिंग का भी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन हम कॉपी कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन आ गया हमारे पास। हमें अगर आज को लिंक देना है लिंक भी आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन व्यू मोड का बटन रहेगी हमारे पास कि हम अलग से बनाएंगे। उसके बाद हम इसके स्टाइल में चले जाते हैं, स्टाइल में इमेज हमने यूज़ नहीं की, इमेज वाला पोर्शन हम छोड़ देते हैं। फिर कंटेंट में आ जाते हैं, कंटेंट में हमारे पास हेडिंग है और डिस्क्रिप्शन है, इसकी अलाइनमेंट हम लेफ्ट रखते हैं। अब टाइटल है, टाइटल का कलर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये वाला। अब हेडिंग है, हेड हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये पेट सेटिंग, लेकिन इसका साइज़ क्या है कम है, उसको साइज़ कम कर लेते हैं, कह लेते हैं कि 25 पिक्सल, या फिर हम उस पर क्लिक करके देख लेते हैं कि इसका साइज़ है क्या, 25 ही है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी टाइपोग्राफी, ओके हो गया, इस तरह से बन गया। अब हमने देखें स्पेस ऐड करनी है, ये हमारे पास हेडिंग है और ये डिस्क्रिप्शन है, इसकी स्पेस ऐड कर लेते हैं हमारे पास टाइटल स्पेसिंग, स्पेस ऐड करना स्टार्ट कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं, खैर 30 से ज़्यादा है, हम इसको चलें 40 कर लेते हैं।
अब हमने क्या करना है, ये जो टाइटल है हमारा इसको टॉप पे लेके जाना है, इमेज के, इमेज के टॉप पे लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिन देना पड़ेगा टॉप से माइनस में, ताकि ये टॉप पे चला जाए। ठीक है, देखिए मैं जैसे ही मार्जिन कम करता जा रहा हूँ ये टॉप पे जाता जा रहा है, आई गेस कि इतना ही है। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया, नहीं इतना ही है। और टाइटल की जो स्पेसिंग है वो कम है, हम टाइटल की स्पेसिंग कम कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये एक बना लिया, हम क्या करते हैं ये कॉलम जो हमने चार बनाए हैं इसको करते हैं डिलीट, और ये हमारा जो एक कॉलम है हम इसको क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट अगेन से एंड अगेन से डुप्लीकेट, चार हमारे पास कॉलम हो गए, हमें चार चाहिए थे। टॉप पे इमेज है, टॉप पे इमेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें इमेज ये वाली चाहिए। अब यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें कोई और इमेज चाहिए, और यहाँ से इमेज हम चेंज कर लेते हैं, और लास्ट में ये इमेज है हमारे पास। ठीक है, इसको अपडेट, और नेक्स्ट सेक्शन जो है वो भी बहुत आसान से है अगर आप बनाएंगे तो। इमेज बॉक्स यूज़ किया जा रहा है, बैकग्राउंड में हमारे पास ये इमेज यूज़ की गई है गॉड वाले। ठीक है, इसे ट्राई कीजिएगा बनाने के, वरना मैं आपको बनवा दूँगा इसे। ठीक है, इसका लिंक आप देखिए, बड़ा आसान है, मैंने आपको बताया है, आप स्क्रिप्ट को एडिट करें। जी जी बिल्कुल होता है। अब इसके बॉटम पे हमने एक बटन ऐड करना है, बटन ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। बटन पे क्या लिखोगे, व्यू मोर, हम यहाँ पर लिखते हैं जी व्यू मोर। ठीक है, अब आइकन भी यूज़ किया जा रहा है, हम आइकन यूज़ कर लेते हैं। आइकन कौन सा है, कैरेट, आइकन की पोजीशन आफ्टर है, आफ्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। बटन डिज़ाइन में चले जाते हैं, स्टाइल में, टाइपोग्राफी हम डिस्क्रिप्शन वाले यूज़ करते हैं, और बैकग्राउंड कलर हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट कलर। ठीक है, टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, टेक्स्ट का कलर कौन सा यूज़ कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन कलर। ठीक हो गया, अब हम टाइपोग्राफी में आते हैं, हमारे पास ट्रांसफॉर्म हम कहते हैं कि कैपिटलाइज होनी चाहिए। ओके, आप बिल्कुल चले जाएंगे, आप जा सकते हैं इजी है, यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप लिंक ऐड कर लें, आप अबाउट के पेज का अबाउट यहाँ पे लिखें, यहाँ से आपको पेज शो करवा देगा, ये अबाउट का पेज एग्जिस्ट कर रहा है, उसे अपडेट करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए ये लिंक बन गया है, क्लिक करूँगा अबाउट के पेज पर जाऊँगा। जी जी वो खुद सर्च करके बता रहा था ना मैं, कौन सा पेज, किस पेज पर आपने जाना है। ठीक है, अबाउट के पेज पे अब यहाँ तक आपने कंप्लीट करना है, नेक्स्ट भी आप ट्राई कीजिएगा बनाने के से। ठीक है।